हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सीखो एजुकेशन में। मैं आपका दोस्त सुखविंदर लेके आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कंपाउंडिंग ऑफ इम्पोस्टर बाइन होती क्या है। ओके, ये हमारा इस सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर है। हमने स्टीम टरबाइन के रिगार्डिंग इससे पहले तीन लेक्चर कवर कर चुके हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्टीम टरबाइन होती क्या है, जो स्टीम पावर प्लांट होता है उसकी लेआउट कैसी होती है। सेकेंड लेक्चर में हमने स्टीम टरबाइन की क्लासिफिकेशन की थी और प्रेशर जो कनेटिक एनर्जी या कन्वर्जन होती है ये कैसे होती हैं। थर्ड लेक्चर था हमारा सिर्फ डी लेवल टरबाइन के ऊपर, होती क्या है और उसके रिलेटिंग जो वेलोसिटी ट्रायंगल्स होते हैं सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन की वो कैसी होती हैं। तो जो हमारा ये लेक्चर है ये डी लेवल टरबाइन का नेक्स्ट वर्जन है, क्योंकि जो हम डी लेवल टरबाइन होती है वो आपकी सिंगल स्टेज होती है, तो कई बार उसमें कोई लिमिटेशंस होती हैं। उसकी लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए ये कंपाउंडिंग ऑफ इंपल्स टरबाइन करी आई थी। तो इसमें हम दो टर्बाइन्स कवर करते हैं, ठीक है ना। जो हमने लास्ट टाइम हमने एग्जांपल दी थी इंपल्स टर्बाइन की, डी लेवल टर्बाइन, कर्टियस टर्बाइन और एटियस टर्बाइन, ठीक है। कर्टियस और एटियस तो दोनों आपकी कंपाउंडिंग के अंदर आ जाती हैं। ओके, तो सबसे पहले कंपाउंडिंग होती क्या है। कंपाउंडिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो कनेटिक एनर्जी, जो आपकी या प्रेशर एनर्जी, जो स्टीम की एनर्जी उसके अंदर होगी, उस एनर्जी को हम एक ही स्टेज में कन्वर्ट नहीं करते, उसको नंबर ऑफ स्टेजेस में कन्वर्ट करते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो स्टीम के अंदर एनर्जी है उसको हम नंबर ऑफ स्टेजेस में डिवाइड करके उसको कन्वर्ट करते हैं, वो पूरा प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग कहते हैं। चाहे वो आपकी कनेटिक एनर्जी हो चाहे वो प्रेशर एनर्जी हो, हम प्रेशर एनर्जी को जैसे सिंगल स्टेज में एक ही स्टेज में सारे प्रेशर को कनेटिक में कन्वर्ट कर देते थे, लेकिन अगर हम उसको जो प्रेशर होगा प्रेशर को कनेटिक में कुछ कुछ स्टेजेस में करें, पहले आधी एक स्टेज में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, तो वो आपकी कंपाउंडिंग हो जाएगी। तो हम इस कंपाउंडिंग को दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चाहे उसको वेलोसिटी की तरह से कंपाउंड कर दें चाहे प्रेशर की तरह से कंपाउंड कर दें, और एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है प्रेशर और वेलोसिटी की कंपाउंडिंग, जिसकी टाइप्स आ जाती है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास कंपाउंडिंग करने की ज़रूरत है क्या, हम कंपाउंडिंग क्यों करते हैं। जब हमने डी लेवल टर्बाइन बना ली थी सिंगल स्टेज, तो हमें ये कंपाउंडिंग करने की ज़रूरत क्या पड़ी। इसको हम मल्टी स्टेज भी कह सकते हैं, मल्टी स्टेज इंपल्स टर्बाइन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ये इसका आंसर ये है कि अगर हमारे पास जो स्टीम का प्रेशर हो, जो हम स्टीम जनरेट कर रहे हैं वो स्टीम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अगर उस हाई प्रेशर को हम सिंगल स्टेज में, सिंगल स्टेज की सिंगल नोजल में से पास करेंगे, तो चांसेस ये हैं कि वो प्रेशर आपका कनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो प्रेशर इतना ड्रॉप हो जाए, इतना हाई प्रेशर आपका ड्रॉप हो जाए और वो प्रेशर कनेटिक में कन्वर्ट हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही स्टेज में हाई प्रेशर को टोटली ड्रॉप कर दें, ठीक है। ओके, मान लो जैसे मैं कहूँ कि आपको, आपके पास 20 bar का प्रेशर है स्टार्टिंग में, तो उसको हमने 0.014 bar तक लेके जाना है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जितना हम प्रेशर ड्रॉप करेंगे उतनी ही टर्बाइन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता हाई प्रेशर को ड्रॉप डाउन करना। तो उसी कारण हमने कंपाउंडिंग की, हमने प्रेशर को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। तो दूसरा रीज़न आता है कि जब हम हाई प्रेशर को कनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो वो उसकी कनेटिक एनर्जी, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम उस वेलोसिटी को सिंगल स्टेज में रखेंगे, तो मीन्स वो सारी की सारी वेलोसिटी सिंगल रोटर के ऊपर जाएगी, और सिंगल रोटर आपका बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से रोटेट करे, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा था कि जो डी लेवल टर्बाइन है वो 30,000 RPM पे चलती है, अगर हम RPM और ज़्यादा बढ़ा देंगे और कर लेंगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो वो उतना हम नहीं रख सकते, क्योंकि तो उसके कारण हमारी जो टर्बाइन है वो डैमेज हो सकती है, तो हमें कनेटिक एनर्जी को भी थोड़ा थोड़ा डिवाइड करना पड़ता है स्टेजेस के अंदर। तो तीसरा कारण ये है कि जब हम प्रेशर को कनेटिक में कन्वर्ट करेंगे, वो मान लो वो प्रेशर कनेटिक में कन्वर्ट भी हो गया, लेकिन वो कनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा, हाई कनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना भी मुश्किल है सिंगल स्टेज के अंदर, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, कनेटिक एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी जो इनपुट है, अगर वो इनपुट आपकी ज़्यादा लॉस के साइड चली जाएगी, तो वो वर्क की जो एफिशिएंसी होगी टर्बाइन की वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इन तीनों पैरामीटर्स को जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। इसी कारण कंपाउंडिंग की जो हमारे एग्जिस्टेंस में आई थी। ओके, तो ये कंपाउंडिंग हम तीन तरह से करते हैं, फर्स्ट इज वेलोसिटी, दूसरी होती है प्रेशर, तीसरी होती है प्रेशर एंड वेलोसिटी, तीनों कंपाउंडिंग होती हैं। तो अभी हम इनको एक बाय एक, इन सभी को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। ओके, तो पहले आती है वेलोसिटी कंपाउंडिंग। जो वेलोसिटी कंपाउंडिंग टर्बाइन होती है वो आपकी कर्टियस इंपल्स टर्बाइन होती है, ठीक है ना। इसमें जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या होता है, सॉरी, यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे ओ आनी थी। ओके, इट्स माई मिस्टेक।
तो जो इसकी कंस्ट्रक्शन में होता है ना, कंस्ट्रक्शन में क्या है कि इसके अंदर सेट ऑफ नोजल्स लगी होती हैं। पहले एक सेट नोजल का स्टार्टिंग में लगा होता है, ठीक है। उसके बाद मूविंग ब्लेड्स के सेट होता है एक, जो मूविंग ब्लेड होते हैं वो शाफ्ट के साथ फिक्स होते हैं, जो शाफ्ट होती है आपकी ना टर्बाइन के उसके ऊपर फिक्स होते हैं, अगर ब्लेड घूमेंगे तो शाफ्ट घूमेगी। तीसरा इसमें सेट होता है फिक्स ब्लेड का, फिक्स ब्लेड केसिंग के साथ फिक्स होते हैं, जब मूव नहीं करते जब केसिंग के साथ फिक्स रहते हैं वैसे। ओके, तो इसके अंदर वर्किंग इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में जो स्टीम होती है जहाँ से एंटर करती है नोजल में, तो उसका क्या होता है जो प्रेशर ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में, तो कनेटिक एनर्जी कम होती है, तो ये स्टीम क्या करेगी और नोजल क्या करेगी, प्रेशर को कनेटिक में कन्वर्ट कर देगी। तो इसमें सारा का सारा प्रेशर एक ही स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो प्रेशर एक ही स्टेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो एक स्टेज में कन्वर्ट नहीं होगी। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी बढ़ा ली, तो उसके बाद जब वो नोजल में से कनेटिक एनर्जी बन जाएगी, उसको हम क्या करेंगे, फिक्स मूविंग ब्लेड्स के अंदर से भेजेंगे, जो आपका ये पार्ट है इसके अंदर से जाएगी, जो ये दिख रहे हैं एम मीन्स मूविंग ब्लेड। तो इस मूविंग ब्लेड में सारी की सारी कनेटिक एनर्जी ड्रॉप नहीं होगी, थोड़ी सी कनेटिक एनर्जी ड्रॉप डाउन होगी, और वो कनेटिक एनर्जी ड्रॉप होने से क्या करेगी, वो रोटर को थोड़ा सा मोशन देगी, वो मोशन में आ जाएगा तो मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। कि उसके बाद क्या होगा, जब वो पहले मूविंग ब्लेड्स के सेट को क्रॉस करेगी, वो किससे पास होगी, फिक्स ब्लेड से। फिक्स ब्लेड आपके सिर्फ एक्ट करते हैं एज अ गाइड वेन्स, उनका सिर्फ ये काम होता है कि जो आपकी स्टीम मूविंग ब्लेड से पहले मूविंग ब्लेड के सेट से निकलेगी, उसको प्रॉपर एंगल पे दूसरे ब्लेड के सेट के ऊपर भेजना है, मूविंग ब्लेड के सेट के ऊपर। वो सिर्फ एक गाइड की तरह एक्ट करती है, जो उसको सिर्फ गाइड करती है कि उसने किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत इसमें भी फिक्स ब्लेड में थोड़ी बहुत वेलोसिटी ड्रॉप डाउन होती है, ठीक है ना, लेकिन हम इसको निगलेक्ट करके चलते हैं थ्रेटिकली। ओके, तो फिर मूविंग ब्लेड में आएगा तो थोड़ी सी वेलोसिटी और कम हो जाएगी, फिर फिक्स ब्लेड में स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, फिर मूविंग ब्लेड में थोड़ी सी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये सेट हम ऐसे चलाते जाएंगे, तो ये आपकी एक स्टेज होगी, फिर दूसरी स्टेज, फिर ऐसे तीसरी स्टेज, जितनी आप मूविंग ब्लेड्स लगाते जाओगे उतनी आपकी स्टेजेस बढ़ती जाएंगी। ओके, तो ऐसे हम क्या करेंगे, जो कनेटिक एनर्जी होगी, वैसे हमें पता है कि प्रेशर एनर्जी कनेटिक में कन्वर्ट होगी, तो कनेटिक को हम ऐसे फिजिबल नहीं कर सकते, एक सारी की सारी कनेटिक एनर्जी एक ही रोटर को दे दे, एक ही टाइम पे दे दे, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी थोड़ी करके देते हैं, पहले थोड़ी सी कनेटिक एनर्जी दी, फिर थोड़ी सी, फिर थोड़ी सी, उससे क्या होगा कि वो सिस्टम आपका जस्टिफाई हो जाएगा। ओके, तो ये होगी आपका वहाँ वेलोसिटी कंपाउंडिंग का सिस्टम। तो ये था इसका प्रेशर वेलोसिटी वेरिएशंस, ठीक है, ये थी इसकी सिस्टमेटिक डायग्राम। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी वेलोसिटी ट्रायंगल, इसका कैसे बनता है, ठीक है। तो ये है इसका वेलोसिटी ट्रायंगल, तो जो ये वेलोसिटी ट्रायंगल बना हुआ है, ये वेलोसिटी ट्रायंगल है आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कंडीशन के लिए। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का मीनिंग है कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, कि साइकिल आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। जब भी ये वर्ड हमारे पास आ जाए मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो हमेशा ये होता है कि जो पूरे सिस्टम का जो आउटलेट ट्रायंगल होगा ना, वो मीडियम ट्रायंगल होगा। ओके, तो उस केस में जो सी वाई होगी, सबसे फाइनल सी वाई जो होगी, उसकी वैल्यू 0 होगी, और जो फाइनल अल्फा एंगल होगा, ठीक है, तो मीन्स फाइनल अल्फा मीन्स फाइनल एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो एंगल होगा ना, वो आपका 0 होगा, और जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी वो फ्लो कंपोनेंट के डायरेक्शन में मूव करेगी, मीन्स वर्टिकल मूव करेगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अजम्पशंस लिखी हुई है, दैट बीटा टू इक्वल्स टू बीटा थ्री, अल्फा थ्री इक्वल्स टू अल्फा टू डैश। तो यहाँ पे जो बीटा है, ये हमें पता है ये एंगल है आपका रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल, अल्फा होता है हमारा एब्सोल्यूट, सॉरी, जो बीटा है ये रिलेटिव का, अल्फा जो है ये आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी का एंगल, जो सी है आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, जो डब्ल्यू है वो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी। ये नोटेशन मैंने सेम रखे जैसे हमारा प्रीवियस लेक्चर डी लेवल टरबाइन के लेक्चर में था। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में रखा नोजल, तो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनाई मैंने, नोजल की डायग्राम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाना था। तो नोजल की जो डायग्राम होगी वो आपकी एज इट होगी, कि वो आपकी एक मीडियम ट्रायंगल एंगल होगा, जिसके लिए जिसमें कोई आपका रिलेटिव वेलोसिटी का पैरामीटर नहीं होता, जैसे हमने डी लेवल टरबाइन में बनाया था कि इसका कोई रिलेटिव वेलोसिटी का पैरामीटर नहीं होता, क्योंकि नोजल क्या होती है आपकी स्टेशनरी पार्ट होता है, वो मूव तो नहीं करती, अगर मूव नहीं करेगी तो जो उसके अंदर वेलोसिटी एंटर करेगी वो सिर्फ कौन सी होगी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी, और जब वो मूव करेगी तभी रिलेटिव वेलोसिटी आती है। ओके, तो नोजल का काम क्या होता है कि कनेटिक एनर्जी को बढ़ा के देना है, वेलोसिटी को बढ़ा के देना है प्रेशर को डिक्रीज करके। तो जो पहले जहाँ पे एंड वेलोसिटी होगी वो कम होगी, जैसे ही नोजल से बाहर निकलेगी यहाँ पर टिप पे, तो जो सी टू है जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी। ओके, ये बढ़ गई, लेकिन जो ब्लेड है मूविंग ब्लेड है ना, ये आप अपनी इसकी अपनी कोई ना कोई स्पीड होगी, जिसको हम यू कहते हैं ब्लेड वेलोसिटी, तो उसके कारण जो इसके अंदर वेलोसिटी एंटर होगी वो सी नहीं होगी, वो कौन सी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है कि जब हम वेलोसिटी ट्रायंगल्स बनाते हैं, तो वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने के टाइम पे ना इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कौन सी वेलोसिटी
नेक्स्ट पार्ट के अंदर एंटर होगी। ओके, तो जो यहाँ पे जो कंडीशन लिखी हुई ना U3U, ये कंडीशन हमारे पास निकल के आई है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कंडीशन के, इसकी डेरिवेशन से निकल के आती है जो कंडीशन हमें, तो यहाँ पे जो मैंने मेंशन की हुई है। ओके, उसके बाद जो आपका ये है मूविंग ब्लेड, तो मूविंग ब्लेड का जो काम होता है, ठीक है ना, तो हमें ये हमने अजम्पशन बेस रखा है, तो मीन्स जो जो बीटा एंगल होगा ना, रिलेटिव का एंगल, जितना इनलेट पे रिलेटिव एंगल होगा उतना ही आउटलेट पे होगा, और जो जितनी इनलेट पे रिलेटिव वेलोसिटी होगी उतनी ही आपकी आउटलेट पे रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ये अजम्पशन हमारी डी लेवल टर्बाइन में भी थी, एज इट सेम है, ठीक है ना, सेम अजम्पशन है हमारी कि रिलेटिव वेलोसिटी दोनों केस में सेम रहेगी, जितनी इनलेट पे थी उतनी आउटलेट पे, ये हमारी पहली अजम्पशन है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट आउटलेट की सेम है तो उनके जो रिस्पेक्टिव एंगल्स होंगे ना वो भी सेम रहेंगे, जितना इनलेट पे एंगल था ना उतना ही एंगल आपका आउटलेट पे होगा। ओके, अगर आप नोट करोगे ना, तो यहाँ पे मैंने 3U लिखा हुआ है, तो नीचे भी U+2U कितना होगा, 3U होगा ना, तो ये पूरी लेंथ 3U ही होगी। ओके, और तो हमें पता है कि ये U है, तो दोनों लाइंस के बीच में U होती है, तो ये कितनी बची, 2U, तो ये रिलेशन हमारा इस डेरिवेशन से निकल के आता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास ये। तो इसके बाद जो ये ट्रायंगल बनेगा, तो इसकी वेलोसिटी पहले एब्सोल्यूट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो हमें पता है कि जब मूविंग ब्लेड के अंदर वो वेलोसिटी भेजते हैं ना, तो वो अपनी वेलोसिटी क्या करते हैं, मूविंग ब्लेड को रोटरी मोशन में दे देती है, और उसकी आउटलेट वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो पहले W से ज़्यादा थी, तो अब क्या होगी, उससे कम होगी, तो मीन्स जितनी कम हुई उतना मीन्स क्या हुआ, उसने उसको मोशन दे दिया। ओके, तो उसके बाद वो एंटर हुई फिक्स ब्लेड में। अब जो क्वेश्चन ये आता है कि फिक्स ब्लेड के अंदर कौन सी वेलोसिटी एंटर करेगी, रिलेटिव या एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब ये ट्रिकी है पार्ट, जो नोजल होती है, नोजल चाहे फिक्स प्लेट, दोनों में ही मोशन नहीं होता। जब भी किसी भी इक्विपमेंट में जिसमें मोशन नहीं है, उसमें हमेशा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ही एंटर करती है, रिलेटिव नहीं करती। जिसके अंदर मोशन होता है, जैसे मूविंग ब्लेड है, वो मूव कर रहे हैं किसी वेलोसिटी से, तो वो आपके उसमें हमेशा कौन सी वेलोसिटी एंटर करेगी, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो इसके अंदर सी एंटर करेगी रेदर देन डब्ल्यू, जैसे जहां पर डब्ल्यू एंटर हो रही थी ना, तो यहां पर सी एंटर करेगी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ओके, तो इसका आउटलेट आ गया, इसका आउटलेट ट्रायंगल। ओके, तो अब हमारे पास जे कंडीशन है कि हमें पता था कि हमने मैंने कहा था जो फिक्स ब्लेड होते हैं उसमें मुझे थ्योरेटिकली अजम्पशन लेके चलते हैं कि जितनी वेलोसिटी इनलेट पे आई उतनी वेलोसिटी बाहर जाएगी, कोई लॉस नहीं होगा। तो मीन्स C3 = C2 चाहिए, जहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है, अगर दोनों वेलोसिटी सेम है तो दोनों का एंगल सेम, α3 = α2 डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ये डैश का मैं प्रोसेस समझाता हूँ, पहले पूरी डायग्राम समझा दूँ, ये नंबरिंग कैसे की हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, तो नंबरिंग बाद में सब क्लियर करता हूँ, पहले इस पे आ जाइए जो डायग्राम कैसे चल रही है। तो ये आ गया आपका, तो उससे क्या हुआ, हमारे पास सेम वेलोसिटी आ गई, ठीक है, तो इससे ये उसने वेलोसिटी सेम रखी, रिलेटिव कंपोनेंट अंदर आ गया हमारा। ओके, तो उसके बाद फिक्स के बाद फिर हमारे पास क्या आएगा, मूविंग आएगा, ठीक है। तो मूविंग में हमेशा कौन सी वेलोसिटी एंटर होती है, रिलेटिव, क्योंकि उसकी खुद की कोई वेलोसिटी होगी। ओके, क्लियर है, तो ये आ गया हमारे पास। तो अब जो हमारा टू स्टेज सिस्टम है, टू स्टेज सिस्टम मेंशन किया होता है, पहला मूविंग ब्लेड सिंगल स्टेज, दूसरा मूविंग ब्लेड सेकंड स्टेज। ओके, तो जो हमारा दूसरा मूविंग ब्लेड की आउटलेट होगी वो वहां पे आपका सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो मीन्स स्टीम टर्बाइन को छोड़ के बाहर चली जाएगी। तो ये कंडीशन है आपकी मैक्सिमम की, तो जहां पे हमारी ये टर्बाइन की एग्जिट होती है स्टीम ना, तो अगर वो मैक्सिमम कंडीशन है ना, तो उस केस में वो हमेशा आपका एंगल होगा, आपका मीडियम ट्राइंगल बनेगा, तो जिसमें आपकी सी वाई जो आपकी आउटलेट होगी सबसे लास्ट की होगी वो जीरो होती है, और जो आउटलेट अल्फा एंगल होता है वो आपका जीरो होता है। ये कंडीशन आपकी मैक्सिमम कंडीशन के लिए आपकी वैलिड होती है, चाहे कोई भी आपकी वेलोसिटी ट्राइंगल हो, तो सभी में यही कंसेप्ट होता है, क्लियर है। हाँ, अगर ये मैक्सिमम का ना होता, नेगेटिव वर्ल्ड का होता, तो उस केस में आपका यहाँ पे बनना था मीडियम ट्राइंगल। ओके, लाइक दिस, जैसे जहाँ पे बना हुआ है ना, तो वही ट्राइंगल आपका यहाँ पे बनना था। ओके, तो अब बात आते हैं कि इनकी नंबरिंग कैसे की हुई है। नंबरिंग हमेशा जो वेलोसिटी ट्रायंगल्स की होती है, जो मैं यहाँ पे डायग्राम डाला हूँ, उनकी तीन ही स्टेज फेस में कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जहाँ पे जिनके साथ वन पैरामीटर होगा वो होगी आपकी स्टार्टिंग की नोजल की। तो मैंने वन वाली डायग्राम यहाँ पर बनाई नहीं है, तो मीन्स जहाँ पर कहीं पर किसी भी पैरामीटर के साथ वन आपको नहीं दिखेगा। ओके, तो मैंने जो बनाया फर्स्ट स्टेज, जो नोजल को बाहर निकलेगी वो होगी आपकी सेकेंड स्टेज टू, जो आपकी नोजल का मूविंग ब्लेड से बाहर निकलेगी वो होगी आपकी थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज के बाद फिर आपका फिक्स ब्लेड आ जाता है, ये फिक्स ब्लेड आपका एक्ट कर रहा है किसकी तरह, नोजल की तरह। ओके, तो इसके बाद जो बाहर निकलेगी वो आपकी सेम एज इट हो जाएगी, यही, क्योंकि ये आपकी द्वारा से मूविंग ब्लेड में जा रही है, तो इसके पैरामीटर टू थे तो इसके भी टू ही होंगे, लेकिन ये टू डैश हो जाएंगे। तो इसके पैरामीटर थ्री थे तो इसके पैरामीटर थ्री ही होंगे, लेकिन ये थ्री डैश हो जाएंगे। अगर ये टू स्टेज, अगर ये थ्री स्टेज होती तो हम क्या करते, टू, जैसे टू के बाद टू डैश आया ना, थ्री स्टेज होता था, टू डैश के बाद आता
टू डबल डैश, उसी तरह से थ्री के बाद थ्री डबल डैश, जितनी स्टेजेस बढ़ाते जाओगे उतनी आपकी डैश आपके पीछे बढ़ती जाएंगी, जिससे आपका ये डायग्राम क्या होगा ना, लेस कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ठीक है ना। अगर आप इनको जैसे ए बी सी हर बार आगे ऐसे वेलोसिटी चेंज करते रहोगे ना, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, तो पूरा सिस्टम कवर नहीं होगा, क्योंकि जितनी स्टेजेस बढ़ जाएंगी उतनी ये डायग्राम नीचे को लेंथी होती जाएगी। ओके, तो उसी कारण इसको मैंने डैश वर्ड रखा है यहाँ पे क्लियर। ओके, तो ये था आपका इसके अंदर वेलोसिटी ट्रायंगल कार्टियस का। तो अभी आते हैं हम आगे प्रेशर कंपाउंडिंग पे। तो जो प्रेशर कंपाउंडिंग होती है ये आपकी रेटियस इंपल्स टरबाइन होती है। तो इसके अंदर आपका कोई फिक्स ब्लेड्स नहीं होते, इसमें आपके सेट लगे होते हैं। पहला सेट होता है आपका नोजल का, ठीक है, नोजल के बाद आपका मूविंग ब्लेड का सेट होता है, देन फिर एक नोजल का सेट आता है, फिर एक मूविंग ब्लेड का सेट, फिर नोजल का, फिर एक मूविंग ब्लेड का सेट। जो नोजल होती है जो केसिंग के साथ फिक्स होती है, जो मूविंग ब्लेड होता है जो आपका शाफ्ट के साथ फिक्स होता है। नोजल, मूविंग ब्लेड, नोजल, मूविंग ब्लेड, नोजल, मूविंग ब्लेड। अब आते हैं इनकी वेलोसिटी और प्रेशर जो डायग्राम होती है, हमें सिर्फ इनका जो बेसिक फंक्शन होता है वही ध्यान में रखना है। नोजल का बेसिक फंक्शन होता है कि उसने प्रेशर को किनेटिक में कन्वर्ट करना है। जो मूविंग ब्लेड होता है, मूविंग ब्लेड में हमेशा प्रेशर सेम रहता है, सिर्फ वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो वही काम हमने यहाँ पे करना है, पहले नोजल में भेजे, तो इसमें नोजल काफ़ी ज़्यादा हो गई, ठीक है, एक दो तीन है, तो हमारा पास जो स्टार्टिंग प्रेशर होगा ना उसको हम तीन स्टेजेस में डिवाइड कर लेंगे। तो सारे के सारे प्रेशर को ना एक ही स्टेज पे आपने ड्रॉप डाउन नहीं करना, जितनी स्टेजेस होगी ना उतनी स्टेजेस में इक्वल डिवाइड करके आपने डायग्राम बनानी होती है। ओके, तो ये हो गया आपका, पहली स्टेज में थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप हुआ, जितना प्रेशर ड्रॉप हुआ था वो उतनी हमने कनेटिक बढ़ा ली। तो दूसरे केस में मूविंग ब्लेड में कनेटिक एनर्जी दोबारा से डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक ही मूविंग ब्लेड है, तो जितनी होगी वो सारी डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स आउटलेट की होगी, जितनी हमने बाहर कनेटिक एनर्जी निकलनी है आपकी टर्बाइन के बाहर। उसके बाद फिर हमारा आएगा नोजल, तो नोजल में दोबारा से आएगा, तो फिर प्रेशर ड्रॉप होगा लेकिन कनेटिक क्या होगी, दोबारा से बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर मूविंग ब्लेड में फिर वो ड्रॉप कर जाएगी लेकिन प्रेशर सेम, फिर वो इंक्रीज होगी नोजल में, फिर डिक्रीज हो जाएगी। तो ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे कनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उस रीजन में, ठीक है। जहाँ पे आपका प्रेशर सेम रह रहा है वहाँ पे आपकी कनेटिक एनर्जी ड्रॉप होगी, क्योंकि वो आपका मूविंग ब्लेड का रीजन है। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा जितनी आप नंबर ऑफ स्टेजेस लगा दोगे। तो इस केस में आपकी स्टेजेस हैं तीन, एक दो तीन, ये तीन स्टेजेस हैं। तो ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पार्ट। तो ये हो गया इसका प्रेशर वेलोसिटी वेरिएशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे इसकी वेलोसिटी और प्रेशर वेरिएशंस आती हैं, कैसे इनके कौन कौन से इसमें पार्ट लगे होते हैं। ओके, तो अभी आते हैं हम इनकी वेलोसिटी ट्रायंगल्स के ऊपर, रेडियस के। तो जो रेडियस का वेलोसिटी ट्रायंगल है ये भी मैंने टू स्टेज का ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका है मैक्सिमम कंडीशन के लिए, तो कंडीशन बेसिकली सारी की सारी वैसी ही रहेंगी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में फिर आपका इनलेट ट्रायंगल बनेगा, मीडियम ट्रायंगल फॉर द नोजल। तो जो नोजल की आउटलेट होगी वहाँ पे आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो सी टू थोड़ी सी ज़्यादा है, इनलेट से ज़्यादा बढ़ के आएगी। तो उसके बाद आता है मूविंग ब्लेड। तो मूविंग ब्लेड जो है, हमें पता है कि मूविंग ब्लेड की खुद की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, वो आपकी यू है। तो उसके कारण जो इसके अंदर वेलोसिटी एंटर होगी वो कौन सी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी डब्ल्यू। तो रिलेटिव वेलोसिटी अंदर एंटर होगी। अब क्वेश्चन जहाँ पे ट्रिकी पार्ट आता है, मैंने पिछले आर्टिकल में यहाँ पे जो डायग्राम बनाई थी वो ऐसी डायग्राम नहीं थी, ये डायग्राम तो सिमिलर आपकी आउटर ट्रायंगल की है जो हमने पिछले बनाई थी। अगर नोट करोगे तो जो आपकी ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों अलग थे। तो ये तो मैंने कह दिया कि आपकी ये ट्रायंगल जो है ये आपकी आउटलेट की ट्रायंगल है, क्योंकि ये किसके कारण है, मैक्सिमम कंडीशन की। लेकिन ये ट्रायंगल जहाँ पे और था, जहाँ पे आके और बन गया, तो जो आपका ये ट्रायंगल है ना उस केस में था आपका मूविंग, सॉरी फिक्स ब्लेड था वहाँ पे। तो फिक्स ब्लेड की जो ट्रायंगल बनती है वो आपकी स्लो ट्रायंगल ही बनती है, लेकिन उसकी जो इनलेट होती है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है। लेकिन जहाँ पे ये नोजल है, ये नोजल है, नोजल का जो इनलेट ट्रायंगल होता है ना वो हमेशा होता है उसका मीडियम ट्रायंगल, मींस जिसमें जो उसकी वेलोसिटी होती है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वो फ्लो वेलोसिटी के कंपोनेंट के बराबर होती है, और उसके अंदर वर्ल कंपोनेंट होता ही नहीं है। ओके, तो इसमें सी टू आपकी सी एक्स के इक्वल लिख दिया हमने, लेकिन जो सी टू वाई होनी थी ना वो जीरो होती है। ओके, क्लियर है। तो ये आपकी नोजल की इनलेट, जितनी आप नोजल इसमें लगाओगे ना सभी में यही ट्रायंगल बनेगा, यही ट्रायंगल इनलेट पे भी बनना था, वहाँ पे वन वन पैरामीटर होना था, जहाँ पे टू टू हुआ तो जहाँ पे ये थ्री आ गया, ठीक है। तो लेकिन ये आपका आउटलेट हो गया। तो जो आपकी ये ट्रायंगल है एज इट आप रिपीट होगी, जैसे पिछले में रिपीट हुई थी, ठीक है ना, ये और ये दोनों की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, सिर्फ नंबरिंग चेंज होती है आपकी, ठीक है ना। ओके, तो ये था आपका वेलोसिटी ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग रेडियस के। ओके, तो अभी आते हैं हम लास्ट पे, दैट इज़ द प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग। जो प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग सिस्टम होता है ना, इस केस में हम प्रेशर और वेलोसिटी दोनों को एक ही सिस्टम में कंबाइन कर देते हैं। तो अगर हमने नोट किया तो जो पहला सिस्टम था उसमें नोजल होती थी, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, लेकिन जो दूसरा प्रेशर का सिस्टम था उसमें फिक्स ब्लेड नहीं थे।
तो इसमें हमने ये सारा सिस्टम कॉम्बिनेशन करके चलना है। तो इसमें होता क्या है, इसमें स्टार्टिंग में एक नोजल होती है, एक स्टेज में स्टार्टिंग में एक नोजल होती है, उसके बाद एक मूविंग ब्लेड, देन एक फिक्स ब्लेड जो केसिंग के साथ जुड़ा हुआ है, देन अगेन एक मूविंग ब्लेड। तो ये आपकी ये चारों को मिला के एक स्टेज बनती है। तो इसके बाद ये दोबारा से इसमें सेकंड स्टेज में जाएगा, जिसमें दोबारा से सेम इक्विपमेंट उसी तरह से प्लेस किए होंगे। पहला आपका नोजल होगा, फिर एक मूविंग ब्लेड, फिर एक फिक्स ब्लेड, फिर एक मूविंग ब्लेड, ये दूसरी स्टेज। ये टू स्टेज सिस्टम शो किया हुआ है, नोजल, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड। तो इनकी वर्किंग एज इट सेम होगी। नोजल का काम है प्रेशर को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना, मूविंग ब्लेड का काम है प्रेशर सेम रखना लेकिन वेलोसिटी को डिक्रीज कर देना, ओके। फिक्स ब्लेड का काम है सिर्फ गाइड करना, फंक्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, ओके। तो हमने स्टार्ट डायग्राम बनाते हैं इनकी। स्टार्टिंग में प्रेशर बहुत था तो दो नोजल की स्टेजेस हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को दो स्टेज में डिवाइड कर लेंगे। तो ये दो नोजल है ना, तो दो स्टेज में डिवाइड कर लें, पहली स्टेज तो दूसरी स्टेज, ओके। तो हमने पहली स्टेज में कनेटिक एनर्जी बढ़ाई, ओके। तो जहाँ पे जो पहली स्टेज में दो मूविंग ब्लेड है, तो हम जो उसका कनेटिक एनर्जी होगी ना, उसको भी दो स्टेज में डिवाइड कर लेंगे। जितनी मूविंग ब्लेड्स होंगे ना, उतनी स्टेज में कनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर लेते हैं, ओके। तो पहली स्टेज तो और ये दूसरी स्टेज कनेटिक एनर्जी ड्रॉप डाउन की। तो पहली में थोड़ी सी कनेटिक एनर्जी ड्रॉप की लेकिन प्रेशर सेम, क्योंकि मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड में प्रेशर चेंज ही नहीं होता, ओके। तो फिक्स ब्लेड के अंदर सिर्फ हमने क्या किया, उसको गाइड किया, ठीक है। तो दूसरे मूविंग ब्लेड में और कनेटिक एनर्जी ड्रॉप हुई। अब इसके बाद क्या हुआ, हमारा नोजल में गए, नोजल के अंदर फिर जो क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज करना स्टार्ट कर गया लेकिन कनेटिक एनर्जी बढ़ गई। उसके फिर मूविंग ब्लेड, पहला मूविंग ब्लेड थोड़ी सी कनेटिक एनर्जी रिड्यूस, देन फिक्स ब्लेड, देन अगेन मूविंग ब्लेड, देन कंप्लीट सिस्टम। तो इस तरह से हम इनकी डायग्राम्स ड्रा कर सकते हैं, जैसे ये आपका है कॉम्बिनेशन है फिक्स प्रेशर कंपाउंडिंग का, वेलोसिटी कंपाउंडिंग का, ओके। तो यही था हमारा आज के लेक्चर में, मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जो मेरे आने वाले वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन अच्छी तरह से मिल जाए, ओके। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।